नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव प्रचार का दौर जारी है। नेताओं का एक दूसरे पर बयानबाजी करना, हमले करना भी लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। जी हां, जिस तरीके से तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। इसी कड़ी में जो सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला था और जिस तरीके से मुस्लिम लीग से उसे जोड़ा था, उसके खिलाफ ही अब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में सेना की वेशभूषा का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई जाए, ये मांग जो है कांग्रेस पार्टी ने की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो एक के बाद एक तमाम राज्यों में बड़े झटके उन्हें लग रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनके विकेट गिर रहे हैं, यानी तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इन सब के बीच लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ रही है। और इस बीच कांग्रेस ने दरअसल जो घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लीग से की, जिसके खिलाफ अब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में रैली को संबोधित किया। जो सहारनपुर में उनकी रैली हुई, उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए पीएम मोदी ने इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है, ये बड़ा बयान दिया और कहा कि मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी अब हावी हो गए हैं। कांग्रेस के पास कोई सिद्धांत नहीं है, ना था और ना ही नीतियां हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बाद अब चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा, ये शिकायत दर्ज कराई। इसी कड़ी में दरअसल चुनाव आयोग से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा, यह काफी दुखद है। क्या कुछ सलमान खुर्शीद ने कहा है, सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हम उनको वहां पर डिले नहीं करना चाहते। वो सभा 4 बजे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, हमारे साथी विस्तार से आपको और बता देंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी हैं, उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियाँ थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं और हमने MCD को और एजेंसीज को ये कह दिया है कि तत्काल ये उतार दिए जाए, जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय या किसी मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो कहा है कि हम लोग फौरन उसको उतार लें। हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थी या जो वातावरण था जिसमें कि जो पार्टियां आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है
और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें और इस पे जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई तत्काल करें। अब हमारे साथी अभी पवन खेरा जी यहाँ पर हैं और मुकुल जी हैं। तो प्रधानमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के जो टिप्पणी की, दरअसल उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 180 सीटों के आंकड़े को पार करने की संभावना से डरे हुए हैं और इसलिए फिर से वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उनके वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। तो इस तरीके से वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। कई मुद्दे उठाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री की होर्डिंग्स जो यूनिवर्सिटीज में लगी है उस पर भी हमने अपनी बात रखी। राजीव चंद्रशेखर जी जो भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्रम के कैंडिडेट हैं, उनके हलफनामे पर जिसमें काफी त्रुटियां हैं, जानबूझकर कुछ गलतियां की हैं, उस विषय में भी हमने बात की। और जो यूट्यूब के चैनल्स बिना कारण बताए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बंद कर रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि अभी चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए, जिसको भी वो हटाना चाहें या नहीं हटाना चाहें। मिनिस्ट्री अभी एक केयर टेकर सरकार की है, उनका ये अधिकार नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरह से पाबंदियां लगाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसको स्टडी करेंगे, लीगल ओपिनियन भी लेंगे और फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। उम्मीद है चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा। अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई शंकाएं हैं तो वो शंकाएं दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। बहुत शिकायतें आ रही हैं मिसयूज ऑफ एजेंसीज की, हम लगातार बात करते आए हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले, चुनाव घोषित होने के पश्चात अगर इस तरह से मिसयूज हो रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें जो 5 न्याय और 25 गारंटी पर ये घोषणा पत्र उनका आधारित है और कांग्रेस पार्टी ने अपने जो न्याय पत्र इसे नाम दिया है उसमें रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। चुनावी घोषणा पत्र में मतदान के तरीके में बेहतरी की भी बात की गई है। ये तमाम बातें उनके जरिए की गई है, लेकिन इसी घोषणा पत्र को निशाना बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है, शिकायत प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज कराई है और इसकी जानकारी जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश उनकी तरफ से दी गई है और बताया है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है नेताओं का वो शिकायत कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंचा और ये कहा कि ये चुनाव आयोग के सभी दलों के लिए समान अवसर और अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित करने का वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। तो चुनाव आयोग में शिकायत के साथ ये भी दरअसल बातें जो हैं वो जयराम रमेश के जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर इस चुनावी मौसम में इस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। तमाम जो पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी है पूरे एनडीए अलायंस के साथ तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है एनडीए अलायंस के साथ, लेकिन जिस तरीके की दरार एनडीए अलायंस में लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने नेताओं को खोती जा रही है, क्योंकि लगातार जो है पार्टी से इस्तीफों का दौर जारी है, दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कई बड़े नेता जो हैं इन चुनावों के बीच ही कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर हमला बोला उसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिकायत जो है चुनाव आयोग से की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग वाले जो बयान है प्रधानमंत्री के वो ठीक नहीं है और उसको लेकर ही ये शिकायत जो है वो कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने की है चुनाव आयोग में पहुंचकर। हालांकि ये जो चुनावी जंग है ये कहां जाकर थमी
होगी ये देखना होगा, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 60 सालों की सत्ता में क्या कुछ घोटाले हुए हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं, किस तरीके का शासन रहा है, ये तमाम चीजें जनता को गिना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 180 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि चुनावी ये जो जंग है ये कहां जाकर थमती है। 4 जून को नतीजे इन लोकसभा चुनावों के सामने आएंगे, जाहिर तौर पर उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।